अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई के द्वारा प्रांत कार्यकारिणी बैठक के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय और स्थानीय मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें प्रमुख मांगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम एवं पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को समय पर घोषित किया जाए। 2014 में छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगाकर छात्रों के लोकतांत्रिक के अधिकारों को हनन किया जा रहा है, अतः छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल किए जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई के द्वारा प्रांत कार्यकारिणी बैठक के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय और स्थानीय मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें प्रमुख मांगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम एवं पुनर्मूल्यांकन के परिणामों को समय पर घोषित किया जाए। 2014 में छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगाकर छात्रों के लोकतांत्रिक के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अतः छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल किए जाए। शिलान्यास का पत्थर रख देने से केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू नहीं होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में शिक्षक एवं गैर शिक्षकों की नियमित भर्तियां की जाएं। कृषि क्षेत्र से जुड़े कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर एवं वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में अत्यधिक फीस को वापस लिए जाए। विद्यार्थी परिषद की इन मांगों को अगर प्रदेश सरकार पूरा नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को और तेज करेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन तथा सरकार की नींद को तोड़ने का कार्य करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई के सचिव हनी शर्मा ने बताया कि आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई पहले भी कई बार प्रेस वार्ता के माध्यम से बता चुकी है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम एवं पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को समय पर घोषित किया जाए और 2014 में छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगाकर छात्रों के लोकतांत्रिक के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अति छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल किए जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई हमीरपुर के द्वारा आज महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल विद्यार्थी परिषद पहले भी अपनी प्रेस वार्ता में बता चुकी है कि जब तक प्रदेश सरकार और एचपीयू प्रशासन हमारी मांगों को लेकर सहज नहीं हो जाता तब तक विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन जारी रखेगी। उसी प्रकार विद्यार्थी परिषद ने आज धरना प्रदर्शन किया। आपकी जैसे कि हमने पहले भी अपनी मांगों को लेकर जैसे कि हमारा रिवेल्यूशन जो पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट है उसे जल्द से जल्द घोषित किया जाए। आज ये मुद्दा जो है वो एक छात्र का नहीं बल्कि उसके परिवार का एक आम जनमानस का बन चुका है कि जो छात्र है उसका कम से कम 2 साल जो है वो ये एचपीयू प्रशासन रिवेल्यूशन के माध्यम से ख़राब कर रही है। तो हम विद्यार्थी परिषद एक और मांग कर रही है छात्र संघ चुनावों के लिए, जो 2014 से लोकतांत्रिक अधिकार जो छात्रों के हैं पहले पूर्व सरकार ने इसका हनन किया और वर्तमान सरकार सत्ता में आने से पहले ये दावा करती थी कि वह छात्र संघ चुनावों को बहाल करेगी, लेकिन आज उसे सत्ता में आए कितना समय हो गया लेकिन छात्र संघ चुनावों को बहाल नहीं किया गया। और तकनीकी विश्वविद्यालय की जो मांग रखी हुई है विद्यार्थी परिषद ने कि वहाँ नियमित अध्यापकों की भर्ती की जाए और उस कैंपस को चालू किया जाए, तो विद्यार्थी परिषद की अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, आम छात्रों की इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरकर इससे भी उग्र आंदोलन करे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।